जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है साइंस का, और इसके अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ओके, इंडियन नेवी SSR MR के लिए हम पढ़ रहे हैं, और अदर जो भी आपको देखना है वो यूट्यूब पर आपको सभी कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, और इसके अंदर हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जो भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के लिए बात करें तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होती है पर्सनली डाउट पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, और उसके बाद में बात करें आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ डाटा मिल जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक है आपके, क्वेश्चन नंबर एक, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण, यानी जो अपना हार्ट होता है उसको, जो धड़कन होती है उसके अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो काम में लिया जाता है वो कौन सा है। ओके, द डिवाइस यूज टू कंट्रोल बीटिंग ऑफ द हार्ट इज, ओके, तो ये आपसे पूछा गया है कौन सा उपकरण है ये, डायलाइजर, पेसमेकर और CT स्कैन, ऑक्सीजेनरेटर, ओके, पेसमेकर। तो इसके अंदर जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पेसमेकर। ओके, जो हार्ट की मतलब बीट होती है उसको, धड़कन जो बोलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर का जो उपकरण होता है उसको हम काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान है, आपके सामने ऑप्शन चार है तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ओके, एन एलिमेंट विच हैज़ बीन सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट, ये आपसे पूछा गया है। तो जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान है वो कौन सा एक ऑप्शन है। इसके अंदर ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन यानी O2, लिथियम Li लिथियम, ओके, क्लोरीन Cl और हाइड्रोजन H2। तो इसके अंदर ऑप्शन आपसे पूछा गया है ये कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान है। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गाइज आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है वो समान होता है, इसके अंदर तीन इसके जो है समस्थानिक होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो आयरन की मात्रा है वो आपसे पूछी गई है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स आयरन कंटेंट इज हाई, मतलब आयरन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है आपसे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है चावल, सेव, दाल, संतरा, यानी राइस है आपका, एप्पल हो गया है, संतरा आप समझ गए होंगे, दाल भी समझ गए होंगे, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो आयरन की मात्रा होती है वो किस में होती है ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो सेव होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, सेव होगा। सेव में सबसे ज़्यादा इन चारों ऑप्शनों में से जो दिया गया है सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है, यानी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो इसमें से आपको पूछा गया है विच इज द हैवीएस्ट मेटल। तो गाइज इसके अंदर जो है ऑप्शन आपके सामने लिथियम, स्ट्रॉन्शियम, कोबाल्ट, और एक ऑप्शन आपके सामने है ओस्मियम। ओके, ओस्मियम है जो कि इसमें मिसप्रिंट हो गया, कट हो गया था, ओस्मियम इसके अंदर ऑप्शन है, आप ध्यान से सुन लेना, ओस्मियम। ओके, सबसे भारी धातु आपसे पूछा गया है, यानी हैवीएस्ट मेटल आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ओस्मियम ही होगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ओस्मियम है वो सबसे भारी धातु होगी इन चार ऑप्शनों में से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वर्ण अंधता व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान सकता, एन एबिनेट पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई विथ कलर, यानी एक जो अंधा व्यक्ति है वो मतलब वर्ण अंतता यानी कलर का उसको बिल्कुल पता नहीं चलता है, तो वो कौन से रंग को नहीं देख सकता। ओके, ये आपसे पूछा गया है, यानी हरा लाल, नीला लाल, पीला हरा और उपयुक्त सभी, तो इनमें से कौन सा है कि वो देख नहीं सकता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हरा और लाल, यानी आपका ग्रीन और रेड हो जाएगा इसका ऑप्शन। ओके, इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, विच एंजाइम डज द मिल्क डाइजेस्ट। ओके, ये आपसे पूछा गया है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन, सुक्रोस, रेनिन, गैस्ट्रिक्स जूस। तो गाइज इसका जो इंग्लिश जो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में यही होता है, इसका जो नॉर्मल इंग्लिश होती है वही इसका ऑप्शन होता है, तो जिसका स्पेलिंग चेंज होता है वो मैं ले लेता हूँ। ओके, ऑटोमेटिकली, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। इसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से एक आपको सही तरीके से जो है सिलेक्ट करना है। ओके, तो इसके अंदर गाइज राइट ऑप्शन होगा वो रेनिन होगा, दूध को पचाने वाला जो आपका एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। ओके, रेनिन एंजाइम है।
दूध को पचाने वाला, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अवर बॉडी? अपनी जो बॉडी है, अपने शरीर है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जो एक ऊर्जा का स्रोत होता है, तो उसके अंदर जो पाचन होता है उसका, तो वो कौन सा एंजाइम सबसे बेस्ट रहता है वो आपसे पूछा गया है। पेप्सिन, थ्री पीस इन और आपका न्यूक्लियर और माइलेज। इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसका ऑप्शन है, ठीक है, ये माइलेज है। इससे पहले माइलेज से पहले क्या है, माइलेज कोई ऑप्शन मतलब अपना एंजाइम नहीं होता, ठीक है, माइलेज है। माइलेज तो मोटरसाइकिल का हो गया, ठीक है, जैसे ए माइलेज है, इससे पहले माइलेज के ए लगा लेना, मिस प्रिंट है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहीं पे, ए माइलेज इसका, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन यही होगा, ए माइलेज, जो कि अपने क्या करता है शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? यानी वेग परिवर्तन, वेग में जब चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? व्हाट वुड कॉल द रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज? यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको क्या बोला जाता है, आपसे ये पूछा गया है। स्विंग, मोमेंटम, आवेग, इम्पल्स, बल, फोर्स और आपका त्वरण, ठीक है, त्वरण आपसे दिया गया यहाँ पे, एक्सीलेशन यानी आपका त्वरण, ओके, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यानी जो पहाड़ पर यदि व्यक्ति चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुकता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के क्वेश्चन है ये, नॉर्मल आपके साइंस के नहीं है, मतलब दोनों तरीके के मिक्स है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये आपके लिए फिजिक्स और आपका साइंस इसलिए चल रहा है ताकि सभी कैंडिडेट्स के कन्फ्यूजन है वो दूर होते जाए। प्रैक्टिस सेट करने से आपको हर एक जो टॉपिक है उसमें अंदर जाने की कैपेसिटी का पता चलता है, हमने जो पढ़ा था पहले कितना याद है कितना नहीं है, तो ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी के लिए। तो ये आपसे पूछा गया है, द पर्सन क्लाइम ऑफ द माउंटेन सर्क्स फोर्थ, ओके, तो जो मतलब व्यक्ति चढ़ता है ऊपर की ओर तो वो आगे की ओर क्यों झुकता है, क्या कारण होता है, यानी उसको थकान होती है या फिर वेग अधिक करने के लिए यानी फास्ट चढ़ने के लिए करता है या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए या इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछा गया है, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा आपको पता है, यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं अच्छी तरीके से तो आपको पता होगा, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो स्थायित्व है, क्योंकि वो आगे की ओर झुकेगा तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा और वो आसानी से ऊपर चढ़ पाएगा, ठीक है, उसको कम मतलब बल है वो कम लगाना पड़ेगा, ये कारण होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका यहाँ पे, डबल रोटी को फुलाने के लिए आटे में क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज मिक्स्ड इन फ्लोर ऑफ स्वेल ए डबल ब्रेड? ओके, नमक, साल्ट हो गया, सोडा हो गया आपका डायरेक्ट, सिरका और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका सोडा, सोडा उसके अंदर मिलाया जाता है डबल रोटी के फुलाने के लिए उसके आटे में, ओके, फ्लोर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, और इस सेशन का है वो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 की इज गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है? जो नेत्रदान हम करते हैं तो, और आपको ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है, आपको जैसा भी आ रहा है आपको बताना है। जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में कितनी देर के बाद में नेत्रदान कर सकता है, ये भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, ओके, तो ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इज डोनेटेड ऑफ विच पार्ट ऑफ आई इन आई बैल? ओके, रेटिना, कॉर्निया, आयरिस, लेंस, कौन सा एक जो पार्ट है जो कि अपने नेत्रदान में हम दान करते हैं, और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर देना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कॉर्निया होगा, कॉर्निया जो भाग है उसका नेत्रदान में दान किया जाता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बिल्कुल अच्छा लगा है, यदि अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर तो बनता ही बनता है, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, और जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जुट जाएं ताकि आगे आने वाले टाइम में आपका सिलेक्शन हो पाए, ओके। टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल भी, अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो उतने क्वेश्चन आप डेली करोगे, 10 क्वेश्चन तो आपके लिए डेली डेली आपके बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन, और टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है। जो भी आप बुक से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक से भी पढ़ें, और उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए,
लीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन है वो सही समय पर आपको मिलता रहे जब भी नया वीडियो आए तो। ओके, अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है और सोशल मीडिया के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आपको मैथमेटिक्स और आपके रीजनिंग के टॉपिक करवाए हुए हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स देखना चाहता है, विजिट करना चाहता है तो वो लिंक पर जाकर देख सकता है। ओके, और उसके बाद में बात करें पर्सनली कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में बात करें तो गाइज आपका कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलता हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।